वैसे लोग्स वगैरह बाइक के अच्छे हैं, लेकिन एक चीज बताऊं तो वो ये लग रहा है मेरे को कि हार्ले डेविडसन का नाम होते हुए भी ना कुछ ऐसी बाइक्स होती हैं, तो मैं थोड़ा सा घबराता हूँ ऐसे कटकुट मारने में। लेकिन अपन ने ले लिया हार्ले डेविडसन X440 टेस्ट राइड के लिए। अपन करते हैं इसका कि भैया राइड एक्सपीरियंस कैसा रहता है ये चेक करते हैं इसमें। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यार ये टेस्ट राइड की बाइक में ना पता नहीं इन्होंने मिरर क्यों निकाल रखे हैं। वैसे मैंने इसकी पहले भी टेस्ट राइड ले रखी है और मिरर से अच्छा व्यू आता है। अब पहले बाइक की बेसिक सी चर्चा करते हैं। ये 440 सीसी का इंजन, 31 एनएम टॉप, 27 बीएचपी पावर, तो पावर फिगर इसके बढ़िया है। बोले तो मैं अभी CB350 चलाता हूँ तो उसके मुकाबले बढ़िया है, तो अपने को पिकअप वगैरह भी उसके मुकाबले बेटर लग रही है। अगर मैं बात करूँ इसके सीटिंग पोस्टर की, तो अभी थोड़े दिन पहले मैंने मैवरिक की टेस्ट राइड ली है और मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मैं ना मैवरिक पे ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा था। इवन अभी मैं जब शोरूम में खड़े हुए उनकी सीट देख रहा था तो भी मुझे मैवरिक की सीट थोड़ी सी ज्यादा ब्रॉड लग रही थी। हालांकि सीटिंग पोस्टर इसका भी बढ़िया है, जैसे अपन बिल्कुल स्ट्रेट बैठे हुए, और इसकी पिकअप भी बढ़िया है। एक्चुअली मैवरिक के साथ बिल्कुल कंपेयर करूं तो मैवरिक और ये दोनों बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज शेयर करते हैं, बस थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस हैं। जैसे इसका व्हील साइज बड़ा है, ये 18 इंचेस का है और मैवरिक 17 इंचेस का है। सीटिंग पोस्चर थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें USD फॉक्स हैं और मैवरिक में नॉर्मल टेलीस्कोपिक फॉक्स हैं। रियर में इसमें गैस चार्ज शॉकर्स हैं और मैवरिक में नॉर्मल शॉकर्स हैं। ऑल्दो मैवरिक भी कंफर्टेबल थी, लेकिन गैस चार्ज शॉकर्स जो होते हैं ना थोड़े से ज़्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं शॉक्स को एब्जॉर्ब करने में। तो कह सकते हैं ओवरऑल सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी इसमें बेटर हैं, जिस वजह से इसकी कीमत भी थोड़ी ज़्यादा है और साथ में हार्ले डेविडसन का नाम है तो इस वजह से कीमत थोड़ी सी और ज़्यादा हो ही जाती है। इसके तीन मॉडल्स आते हैं। ये जो मैं मॉडल चला रहा हूँ ये इसका सेकंड नंबर का मॉडल है, जिसकी ऑन रोड प्राइस है गुड़गांव में 3,13,000 रुपये। जो टॉप मॉडल है जिसमें SOS फीचर और साथ में हार्ले डेविडसन की कनेक्टिविटी मिलती है, वो है 3,34,000 रुपये का और इसमें डायमंड कट अलॉयज आते हैं। और जो सबसे नीचे का मॉडल है उसमें स्पॉक व्हील्स आते हैं, ट्यूब टायर्स आते हैं। तो ये मेजर मेजर डिफरेंस है, बाकी इंजन कैपेसिटी वगैरह तो सेम है ही। अब इसकी ज़रा स्पीड वगैरह चेक करते हैं। अपन ने चौथे गियर से उठाई, हाँ भैया नॉकिंग कर रही है। ये चौथे गियर से यार बढ़िया उठ गई है, तो एक बार देखें फोर्थ गियर से कितने पर उठती है। 70 पे पहुंच गए शूट एंड शूट, पिकअप बहुत बढ़िया है यार। थर्ड गियर पे आ गए है ना, थर्ड गियर पे देखें कहाँ तक जाती है। 20 नॉकिंग, ओ नॉकिंग बढ़िया। 25 पे आके नॉकिंग ख़त्म की है इसने थर्ड गियर पे। ओए होए बढ़िया पिकअप, मैनूवरेबिलिटी ऑसम। फोर्थ गियर मैंने 85 पे आके लगाया है, अभी मेन रोड पे आ जाएं उसके बाद देखते हैं अपन कौन सी स्पीड तक जा सकते हैं। यार बम्प्स वगैरह ना इतने पता नहीं चल रहे, एक्चुअल में शॉकर्स वगैरह अच्छे लग रहे हैं इसके। फोर्थ गियर पे 103 आराम लगाया, फिफ्थ गियर नो डाउट पिकअप इज वेरी नाइस और गियरिंग रेशियो भी अभी तक बढ़िया लग रहा है यार। अब देखते हैं फिफ्थ गियर पे ना लोवेस्ट स्पीड अपन कहाँ जाते हैं। फिफ्थ गियर पे अपन और 40 पहुँच गए नॉकिंग, 40 पे नॉकिंग, 45 पे आके नॉकिंग बंद होती है, तो बढ़िया यार। अगर 45 पे नॉकिंग बंद हो रही है और अपन बहुत इजीली फोर्थ गियर पे 100 क्रॉस कर गए थे, तो फिफ्थ गियर पे तो आराम से 110 पे पहुंचेंगे। 50 से 110 तक की रेंज पकड़ लो फिफ्थ गियर की, तो उस हिसाब से गियरिंग रेशियो भी यार अच्छा है इसका। मनूवर करने में अपने को बहुत आसानी से मनूवर कर पा रहे हैं यार। बाइक का वेट है 190 kgs, थोड़ा सा हैवियर साइड पे, लेकिन अपने को ऐसा चलाते हुए बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा, क्योंकि जो बॉडी वेट रेशियो है उसका, उसकी वजह से अपने को मनूवरेबिलिटी में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ रही। इसके अलावा क्लच भी बिल्कुल लाइट है, बहुत स्मूथ क्लच है यार। यार जिन बाइक की पिकअप अच्छी होती है साथ में बॉडी वेट रेशियो अच्छा होता है ना, उनको मनूवर करने में एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। अपन शूट एंड शूट दूसरों से आगे निकलते हैं थोड़े से कट्स मारते हुए। ऑनेस्टली बताऊं मैं बहुत सेव होके चलाता हूं, मैं थोड़ा सा घबराता हूं ऐसे कट कुट मारने में, लेकिन कुछ ऐसी बाइक्स होती हैं तो भाई अपने में भी एक अलग ही एंथू आ जाता है इस तरीके से मनूवर करने का। ये बात वेरी इजी टू हैंडल यार, गियर शिफ्टिंग स्मूथ, क्लच स्मूथ, ब्रेकिंग अच्छी, ब्रेक में अच्छा खासा ग्रिप है, ड्यूअल चैनल ABS, तो ब्रेकिंग सिस्टम भी बढ़िया लग रहा है। और अब तो मैं जैसे इसकी सीट के साथ भी यूज्ड टू हो गया हूँ, तो मेरे को जो इसका पोस्चर है, जो इसकी सीट है, उसकी क्वालिटी के वाइज, क्योंकि शॉक एब्जॉर्बर्स भी अच्छे हैं, तो उस हिसाब से बाइक कंफर्टेबल लगने लग गई है। मतलब मैं इस बाइक पे बड़े ही प्यार से लॉन्ग राइड वगैरह कर सकता हूँ। ये देखो शूट एंड शूट भागी, 100 तक पहुँचती है विद इन नो टाइम यार।
एक बार साइड में रुक के इसके लुक्स वगैरह आपको दिखाते हैं। ओके, तो यार अब इसके लुक्स की बात करते हैं। ये है इसका सेकंड नंबर का मॉडल। वैसे लुक्स वगैरह बाइक के अच्छे हैं, लेकिन एक चीज बताऊं तो वो ये लग रहा है मेरे को कि हार्ले डेविडसन का नाम होते हुए बिना इसमें कहीं कहीं पे अपने को ऐसा लग रहा है कि यार जैसे फिनिशिंग उस लेवल की नहीं है जितनी होनी चाहिए। जैसे अपन सिलेंसर ही देखें, कहीं कहीं पे फिनिशिंग की कमी दिख रही है। जैसे ये वेल्डिंग का आप देख लो पार्ट, ऐसा लग रहा है कि यार इसमें और फिनिशिंग होनी चाहिए थी। और एक आध जगह पे नोटिस कराता हूँ, यहाँ पे ये है पेंट, इसमें भी ना वो स्मूथनेस नहीं लग रही इस पेंट में कि बहुत ही अच्छे से पेंट हो रखा हो, वो फिनिशिंग आ रही हो। वैसे लुक्स अच्छे हैं। अगर बाइक की सीट की बात करूं तो ये राइडर सीट है जहाँ पे मैं तो कंफर्टेबली बैठ रहा हूँ। जो पिलियन सीट है वो लंबी है, लेकिन पीछे आते आते काफी नैरो हो रही है। आई थिंक मैवरिक की सीट इसके मुकाबले थोड़ी सी ब्रॉड है पिलियन सीट, ऐसा मेरे को लगता है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन ये सीट देख के मेरे को लग रहा है कि ये लंबी तो है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्पेस है पिलियन के पास, लेकिन पीछे आते आते नैरो हो जाती है। तो शायद पिलियन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज कर देगा हाई स्पीड पे बैठते हुए। इसके अलावा सारा एलईडी सेटअप है। ये हेडलाइट एलईडी, इंडिकेटर्स एलईडी, टेल लाइट एलईडी और अगेन बैक इंडिकेटर्स एलईडी। ये रियर शॉक एब्जॉर्बर्स हो गए गैस चार्ज, जिससे थोड़ा सा और शॉक एब्जॉर्प्शन की एफिशिएंसी इनकी बढ़ जाती है। आगे में हो गए यूएसडी फॉक्स। फ्रंट और रियर दोनों जगह पे डिस्क ब्रेक्स, ड्यूअल चैनल एबीएस, तो ब्रेकिंग कंट्रोल वगैरह बढ़िया लगा यार। ये है सेकंड नंबर का मॉडल जिसकी ऑन रोड प्राइस है 3,13,000 रुपए। इससे ऊपर जो मॉडल आता है वो 3,34,000 रुपए का होता है। उसमें यहाँ पे एक SOS बटन होता है, तो इमरजेंसी फीचर ऐड हो जाता है। साथ में हार्ले डेविडसन के कुछ कनेक्टेड फीचर्स होते हैं। अपन उसमें एक रेंज सेट कर सकते हैं कि अगर थर्ड पर्सन हमारी बाइक लेके जा रहा है तो मैक्सिमम कहां तक वो लेके जा सकता है उसको, ऐसा कुछ फीचर है। बाकी इंस्ट्रूमेंट कंसोल है कम्प्लीटली डिजिटल, फ्यूल की इन्फॉर्मेशन आ रही है, टाइम आ रहा है, RPM आ रहा है, किलोमीटर पर आवर आ रहा है, गियर आ रहा है, यहाँ पे शो कर रहा है कि अपना साइड स्टैंड लगा हुआ है। इसके अलावा ABS ऑन है, ये आ रहा है, इसको टॉगल कर सकते हैं अपन यहां से, और टॉगल करने के बाद ट्रिप आ रहा है। ट्रिप 196.3 किलोमीटर का हो चुका है, जिसमें 56 hours 23 minutes का टाइम लगा है। पता नहीं कौन सी स्पीड पे कोई चला रहा था, कछुए की स्पीड पे। और क्या आ रहा है यहाँ पे, डेट भी आ रही है टॉगल करने पर, ये सब आ रहा है। डेट आ रही है सर्विस ड्यू 4,304 किलोमीटर के बाद इसकी सर्विस ड्यू हो जाएगी। RTMI रेंज बोले तो किलोमीटर पर लीटर, जो अभी करंट माइलेज चल रही है ना, जो अब अपन चलाएंगे इसको वाली, और रेंज क्या आ रही है। ट्रिप ए ट्रिप बी उनका कितना किलोमीटर चल चुका है, कितना टाइम चला है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। और एक बहुत ही बढ़िया चीज इसके बारे में पता चली है, जो इसका सर्विस शेड्यूल है ना वो ऑसम है यार, इसका भी और मैवरिक का भी। पहली सर्विस 750 किलोमीटर पे, सेकंड सर्विस 6 महीने के गैप में 5,000 किलोमीटर पे, थर्ड सर्विस फिर 6 महीने के गैप में 10,000 किलोमीटर पे, उसके बाद फोर्थ सर्विस ऑनवर्ड्स 1 साल या 10,000 किलोमीटर, जो भी पहले हो जाता है तब सर्विस है। मतलब नेट हर 10,000 किलोमीटर में सर्विस है और 1 साल के गैप में सर्विस है, तो उससे बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। और ये सोचो यार कि मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी बचती है, कितनी सर्विस कॉस्ट बचती है। अगर एट ए टाइम 4,000-5,000 रुपये भी लगता है सर्विस का, तो हमारा टाइम भी बचता है, हमें फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है, और ओवरऑल इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम हो जाती है। और यहाँ पे DRL ऑन हो गई, जिसमें हार्ले डेविडसन लिखा हुआ बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो आई थिंक अभी मेजर अपन ने कवर कर लिया, जो जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है एक टेस्ट राइड बाइक से। एक बार एग्जॉस्ट साउंड सुनते हैं। ये है आइडल का एग्जॉस्ट साउंड, ये एग्जॉस्ट साउंड अच्छा है। इंजन का भी बहुत ज्यादा साउंड नहीं आ रहा, हल्का हल्का टेबिट का साउंड जरूर है, लेकिन द गुड पार्ट इज मैक्सिमम जो साउंड आ रहा है वो एग्जॉस्ट की तरफ से आ रहा है। ये नाइस साउंड के मामले में कहूंगा साउंड अच्छा है। और पीछे जो इसकी टेल लाइट ऑन है ये भी बहुत प्यारी लग रही है रात में, ये खास करके बहुत अच्छी लगेगी। तो भाई लोग आई थिंक मेजर इन्फॉर्मेशन जो हो सकती थी ना एक बाइक की टेस्ट राइड को लेकर अपन वो कवर कर चुके हैं। चलते हैं वापस इसके शोरूम।